जी अग लगी है कल रात को पौने 12 बजे के करीब हादसा होया सी। 3 फ्लोर तक तो अग दियां लपटां जा रही सी, अगे धुआं ही धुआं हो गया। साडा इत्थे कोई 400 के करीब पेशेंट दाखिल सी, 400 पेशेंट के नाल उन्होंने अटेंडेंट होंगे। बीती रात PGI दे विच शॉर्ट सर्किट करके जड़ी है अग लगी, हालांकि कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई क्योंकि रात नूं ही जड़ी PGI दी छे फायर ब्रिगेड दी टीम पहुंच गई सीगी। ते की कुछ रहा रात नूं, किस तरीके नाल रेस्क्यू ऑपरेशन किया? साडे नाल जड़े है मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने विपिन कौशल जी। डॉक्टर सर, किस तरीके नाल रात नूं, किन्ने बजे तुहानूं जानकारी मिली ते की कुछ इत्थे उस वेले हालात सीगे? हुण तां इत्थे देख रहे असीं काफी मलबा इकट्ठा होया पिआ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ 12:15 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਸਾਡੇ ਵੱਜ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਵਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫਾਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਐਜ਼ ਏ ਟੀਮ ਇਹ ਅੱਗ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਭੀਸ਼ਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। तो जी अग है जे सी ब्लॉक कहते हैं इन्हों, जिथे असं इस वे खड़े हैं, जिथों अग शुरू हुई ग्राउंड फ्लोर तो, ते 5 फ्लोर है टोटल, ते 5 जी अग इन भड़क गई ते उहदे विच पेशेंट सी इन्हां हर वार्ड दे विच, इत्थे ICU भी 3 है, बाकी जनरल वार्ड भी है, प्राइवेट वार्ड भी सी। ते जिहड़ा 3 फ्लोर तक ते अग दियां लपटां जा रही सी ते अगे धुआं ही धुआं हो गया, धुएं दे कारण जिहड़ा बी ब्लॉक दे विच भी धुआं फैल गया। तो साडा इत्थे कोई 400 के करीब पेशेंट दाखिल सी, 400 पेशेंट के नाल उन्होंने अटेंडेंट होंदे आ, ते साडे कोल बड़ा चैलेंज सी उन्होंने सेफली एवैक्यूएशन करना, तो जिहदे विच सारिया का सहयोग मिलिया, जिहड़ी PGI दी टीम सी पूरी, जिहदे विच रेजिडेंट डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स, फैकल्टी मैंबरस, नर्सिंग स्टाफ जिहड़ा ड्यूटियां कर रहे सी, असीं बाहरों भी बुलाया जिहड़े होस्टल च सी, होस्टकीपिंग स्टाफ, टेक्नीशियन, सिक्योरिटी एंड फायर, ऑफकोर्स अवर फायर ऑफिसर लेट फ्रॉम द फ्रंट, डायरेक्टर साहब इत्थे सी, मैं आपू इत्थे सी, साडा हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट दे सारे रेजिडेंट और फैकल्टी एज ए टीम और UT एडमिनिस्ट्रेशन दा पूरा सहयोग मिलिया, UT दा फायर ब्रिगेड पूरा असला लैके इत्थे आ गए सी, तो उन्होंने जिहड़ी एवैक्यूएशन प्लान दे अनुसार असी करके सारे पेशेंट इत्थों कढ छड्डे और दूजी जगह असी जिहड़ी सेफ जगह सी अकॉर्डिंग टू जिहड़ी पेशेंट की क्रिटिकैलिटी थी उहदे अनुसार असां उत्थे उन्होंने पहुँचा छड्डिया। इहदे विच सानूं वक्फा लग्या बट फॉर्चुनेटली कोई ऐसा हादसा नहीं हो जिहदे विच कोई जान का लॉस होया होए, प्रॉपर्टी तो काफ़ी साड़ी डैमेज हो गई अग के कारण, बट ये कि 424 के करीब करीब जिहड़े पेशेंट से असी एवैक्यूएट करके नहरू हॉस्पिटल एक्सटेंशन, ट्रोमा सेंटर, एमरजेंसी के ए ब्लॉक के बीच असी शिफ्ट कराए। हुण साडा रेस्क्यू ऑपरेशन जिहड़ा सी उहदे बाद असैसमेंट हो रही है कि डैमेज क्यों है, कमेटी साडे डायरेक्टर साहब ने बना दिती है, हुण उहदे विच विचार विमर्श करेंगे भी क्या कारण बने, अगे की असी सेफ्टी प्रिकॉशनस लैनियां, बाकी जिहड़े पेशेंट्स हुण जिहड़ियां सर्विसिज इत्थे वंचित होणगियां उहनां नूं असी रीलोकेट कर दिता है, थोड़ियां जिहियां हैम्पर होणगियां, बाकी साडी OPD स्टार्ट हो गई है, सारा पेशेंट रजिस्टर हो गया, एमरजेंसी कल रात भी चलती रही, ट्रोमा भी चलता रहा, तो अभी भी चल रहा है, तो सारे काम रिस्टोर हो गए। PGI की टीम दी बहुत सी सारे ने कट्ठे मिलके ये काम किया और बाय गुरु की कृपा रही है कि सब कुछ ठीक, मतलब किसी की जान नहीं गई। कोई किन्ने के पेशेंट सीगे, आइडिया है कि इस वेले इतों वैक्यूएट किए 424 पेशेंट एक्जैक्टली, जिदे बिच अडल्ट मेल, फीमेल्स, प्रेगनेंट लेडीज और बच्चे, प्रेगनेंट लेडी और बच्चे कोई 106 के करीब से छोटे बच्चे, सारे नूं एवैक्यूएट असी कीता, पिछे साडी निकू है नर्सरी ओह सेफ सी, असी उत्थे शिफ्ट कर छड्डिया, NHE च लै गए, तो 424 दे नाल 400 बंदा होर होएगा समझो, और उन्हां ने भी साडी हैल्प कीती, जिहड़ा एक क्रेन आई सी जिहने 5वें फ्लोर तों क्रेन दे नाल एम्बू बैग दे विच पेशेंट डाक्टरां ने कढे आ इत्थों, तो इट वॉज़ ए डिफिकल्ट रेस्क्यू ऑपरेशन बट सारे की मदद के नाल अच्छी तरह निभ गया। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਫਾਇਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ PGI ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਤੋਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਵਾਰਡ ਦਾ ਜੋ ਅਭੀ ਧੂਏ ਕੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਥਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਨਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਪੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਸੇ ਸੇ ਹਲੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਧਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 80 ਡਿਗਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਆ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਾਫੀ 12 ਵਜੇ ਜਿਸ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਧੂਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ
तो धुआं तो अभी भी असं फील कर रहे हैं कि हैगा है, तो बिच बिच आ जाती है। तो सारी फायर जो डिपार्टमेंट है साडा पूरी सेफ्टी प्रिकॉशन लै रहा है सिक्योरिटी वाले और सारे सारे असी ये अभी मुतैद हाँ कर रही है। दसा जा रहा है कि कंप्यूटर दे सीपीयू दे विच शॉर्ट सर्किट होया सीगा जिस करके आग लगी है। साडा डाटा सेंटर है इत्थे जिहदे डाटा सेंटर दा यूपीएस रूम इत्थे जिहदे विच काफी बैटरीज लगियां हुंदियां, तो ओही लग रहा है प्रिलिमिनरी कि उन्हां बैटरियां विच ही कोई शॉर्ट सर्किट होके आग लगी है। बाकी कमेटी जिहड़ी बैठी है जांच करेगी तो उहदे नाल पक्के सारा की बनिया। कमेटी बनाई है डॉक्टर साहब ने, मेरे ख्याल 8 to 10 मैंबर है कमेटी दे विच डिफरेंट एरियाज दे। हेड साडे डीन है वो करनगे डॉक्टर नरेश पांडा जी। ते तो एक बारी तस्वीरां दिखा देंदे पीजीआई दे नेहरू ब्लॉक विच सी ब्लॉक है जिथे की अग लगी सीगी रात नू जिहड़ी है ये अग लगी है। ते उत्थे किस तरीके नाल रेस्क्यू ऑपरेशन सानू दे रहे सीगे मेडिकल सुपरिंटेंडेंट विपिन कौशल जी, ते उन्होंने दस्या कि किस तरीके नाल रात नू 12:15 बजे जानकारी मिली सीगी। उस तो बाद लगातार 2-3 घंटे जिहड़ा है रेस्क्यू किया गया, अग बुझाई गई जिस विच पंजाब दी पीजीआई दी जिहड़ी फायर ब्रिगेड दी टीम आए उह तां लगी, लेकिन इस तो इलावा जेकर गल करिए चंडीगढ़ प्रशासन दी भी फायर ब्रिगेड दी टीम इत्थे आईआं ते सारिआं ने जिहड़े सांझे ऑपरेशन दे नाल जिहड़ा है इस अग ते काबू पाया। तुसीं तस्वीरां देख सकदे हो हले भी किस तरीके नाल इत्थे इन्ना कि ज्यादा जिहड़े क्योंकि अंदर वार्ड सीगे अलग अलग जिहड़े मरीज सीगे उन्हां दा समान कहीए पीजीआई दा डाटा होवे मशीनां होण उह सारे जिहड़े इत्थे जल के खाक हो गए ने। फिलहाल जिहड़ा रिपेयरिंग दा काम शुरू हो रहा है, तुसीं देख सकदे हो तारां लगाईआं जा रहीआं ने जिहड़ी कि सड़ गईआं सीगीआं ते इत्थे क्योंकि काम कर रहे ते तुसीं तस्वीरां दे विच तुहानूं दिखा दिंदे एक वारी कि किस तरीके नाल इत्थे हुण दुबारा तो इस वार्ड नूं ठीक करन दे लई। ते इह वी दस्सिआ गया है कि 5 फ्लोर सीगे टोटल 5 फ्लोर इत्थों सारे विच अग फैल गई सीगी ते जिहड़े है इत्थे शीशे भन्न के ताकि इत्थे सफोकेशन ना होण। हालांकि इत्थे वी जिहड़ी है नजर आ रहा है कि जिहड़े महसूस हो रही है क्योंकि हले भी जिहड़ा इत्थे अग दा इफेक्ट नजर आ रहा है। फिलहाल इस मामले दे विच हुण SIT बनाई गई है इत्थे जिहड़ी टीम बनाई गई है इन्हां ने वल्लों जिहड़ी कि जांच करेगी कि आखिर अग दे की कारण रहे। फिलहाल जिहड़े ओह इह दस्सिआ जा रहा है कि रिकॉर्ड रूम दे विच जिहड़ी कंप्यूटर सीगी उन्हां दी बैटरियां विच अग लगी जिस करके इह पूरा हादसा वापरिआ है। फिलहाल जिहड़ी है 8 डॉक्टर्स दी टीम है जिहड़ी है डीन दे प्रधानगी दी हेठ बनाई गई है जिहड़ी कि जांच करेगी आखिर अग दे की कारण बने ने। कैमरा परसन शिवम शर्मा दे नाल पूजा वर्मा, डेली पोस्ट, पंजाब हरियाणा, हिमाचल।